हेलो एवरीवन। तो कैसे सब लोग और गेमिंग साइड पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और क्या मौसम है यार, आई मीन नज़ारा चेक करो ज़रा। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे ये मैप ऑटम में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मिड ऑटम में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, अभी तो पत्ते काफ़ी ज़्यादा झड़ चुके हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटिक्स, हमारी सारी क्रॉप्स जो हैं वो रेडी टू हार्वेस्ट हैं। हमने आई एम सॉरी फॉर दैट, हमने अपनी सारी क्रॉप्स को जो है वो हार्वेस्ट करना है। और यहाँ पे मैं एक फील्ड को ऑलरेडी हार्वेस्ट करना शुरू हो चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने हार्वेस्टर अपनी चेंज कर ली है, क्योंकि कुछ लोगों को बार बार एक ही जैसी मशीन्स देखना पसंद भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ व्हीकल्स जो हैं वो बार बार चेंज करते हैं। तो ये एक खासी पुरानी हार्वेस्टर है जिसके साथ मैंने जॉन डियर का सबसे बड़ा वाला हेडर अटैच कर रखा है। इस हेडर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी हमें, हो सकता है हार्वेस्टर का पाइप जो है वो शॉर्ट पड़ जाए, जो कि एक ऑब्वियस सी बात होने वाली है, क्योंकि हेडर जो है वो उसकी आप लेंथ चेक कर सकते हैं। आई डोंट नो, मे बी शायद इस वजह से कि ये एक मोड है या कोई और वजह हो, लेकिन सम हाउ ये हार्वेस्टर कनेक्ट कर सकती है ये वाला हेडर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्यों नहीं, अगर ये हार्वेस्ट कनेक्ट कर ही रही है तो क्यों मैं मतलब कि वो छोटा सा हेडर लेके फिरूँ और उसको यूज़ करते हुए मैं मतलब घंटा लगा दूँ एक फील्ड को हार्वेस्ट करने में। ओके जी, तो यहाँ पे हमने ये जो वाला फील्ड है ये मैंने परचेज़ किया था, इसके ऊपर मैंने खुद से ये प्लांट नहीं की, तो मैंने परचेज़ किया था, तो इस पे ऑलरेडी जो है वो बार्ले प्लांटेड थी, तो मैंने रख लिया इस फील्ड को। और मैंने कोई और क्रॉप चेंज नहीं की क्योंकि ऑलरेडी वो प्लांटेड थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही जान के रोला डालना है तो फिर फ़ायदा। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट बड़ा हेडर है, लेकिन इसके बावजूद हार्वेस्टर जो है वो प्रिटी फाइन बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। इसकी वजह शायद ये है कि इस हार्वेस्टर की हॉर्स पावर जो है वो 550 है, मतलब 535 करके ऐसे करके इसकी कुछ हॉर्स पावर है, लेकिन अबव 500 हॉर्स पावर है, दैट्स अ श्योर थिंग। और अभी तो भैया मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है, एक बार ये हार्वेस्टर भर जाए तो जब हमारी ये हार्वेस्टर भर जाएगी फिर हम आपको, हम नहीं बल्कि मैं आपको एक दूसरा जो है वो चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने चेंज की है, वो व्हीकल्स के रिलेटेड ही है। अब इतना ज़्यादा सरप्राइज़ जो है वो सस्पेंस में क्रिएट नहीं करना चाहता। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास हार्वेस्टर जो है वो फुल हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि डेफिनेटली ब्लम ब्लम ब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेलर जो है वो काफ़ी छोटा है, तो मेरे ख्याल से अभी टाइम आ गया है कि हमें अपना एक ट्रेलर जो है वो भी बड़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जो न्यू फील्ड्स हैं वो परचेज़ कर रखे हैं। मेरे बैकग्राउंड पे कुत्ता भौंक रहा है हसब साबक, लेकिन अब इसको भौंकने दो, मैंने डेफिनेटली माइक इसी वजह से अपग्रेड करवाया, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है बैकग्राउंड पे। और ये हमारे जो नेबर्स हैं इनका कुत्ता इतना गंदा है कि ये बस उसने उसी वक्त बोलना शुरू करना होता है जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी होती है। खैर व्हाटएवर, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको उसकी जिर बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे इतनी आ रही है आवाज़ के मैं अच्छा खासा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और यही खास बात है इस माइक्रोफोन की कि ये बिल्कुल भी नॉइज़ कैप्चर नहीं करता, बस ये सिर्फ आपकी आवाज़ कैप्चर करता है। ओके जी, तो मेरा ख्याल है मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो में इस माइक के काफ़ी ज़्यादा चर्चे कर दिए हैं, तो मुझे इस गेम प्ले को एटलीस्ट स्पॉइल नहीं करना चाहिए इस माइक्रोफोन की तरीफें कर करके। ओके जी, तो इससे पहले कि मैं ट्रेलर ब्रिंग करूं यहाँ पे लेके आऊं, तो बेहतर है कि हम हार्वेस्टर को ऑलरेडी एक वर्किंग पोजीशन पे रख लें, जस्ट फॉर गुड थिंग यू नो। तो पाइप आउट भी कर लिया है, अरे नहीं यार इसको नहीं। ओके जी, तो ये रहा सरप्राइज। तो यहाँ पे केस IH का मैग्नम सीरीज का 380 यानी के CVX ट्रैक्टर जो है वो मैंने अपग्रेड कर लिया है। मैंने अपने मैसिव फर्गसन को बोल दिया है टाटा बाय बाय, और यहाँ पे ले लिया है हमने केस IH का मैग्नम सीरीज़ का CVX 380, और काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। बैक इसके रेयर टायर्स जो हैं उसके साथ मैंने क्रॉलर टायर या ट्रैक टायर भी जिनको आप बोल लो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन लगवाई है, क्योंकि भैया देख ही सकते हो ये मैप किस तरह का है, आड़ा तिरछा सा है, और इससे जो है आपको एक अच्छी ग्रिप जो है वो मिल जाती है इस टायर कॉन्फ़िगरेशन से, तो ट्रैक्टर जो है वो ज़्यादा डोल्टा वोल्टा नहीं है, तो अच्छी ग्रिप है। तो वैसे भी पावर वाइज भी ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, उसकी 400 हॉर्स पावर थी, इसकी थोड़ी सी उससे हाई हॉर्स पावर है,
तो आई गेस कि एटलीस्ट उस वाले ट्रैक्टर से तो ये बेहतर ही परफॉर्म करेगा। मुझे बताइए आपका फेवरेट ट्रैक्टर ब्रांड कौन सा है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए। वीडियो पास कर लें बेशक लेकिन मुझे अभी जाके कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप वीडियो देख रहे हो कि कौन सा फेवरेट ब्रांड है ट्रैक्टर का, मैसी फर्गसन, फैंट, जॉन डियर, फीएट, न्यू हॉलैंड, कौन सा, या चैलेंजर, व्हाटएवर, या जेसीबी। अरे ये तो निकलते ही जा रहे हैं। खैर जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे जान के बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ ये चीज़ शेयर करोगे। तो मैं भी कमेंट सेक्शन जो है वो आपके काफ़ी गौर से इंटरेस्टिंग होते हैं और काफ़ी मज़े लेके पढ़ता हूँ तो ऐसी बात नहीं है कि आपने कमेंट कर दिया और मैंने उसको देखा भी नहीं। ओके जी, तो काफ़ी देर लगाएगी ये हार्वेस्टर यहाँ पे अनलोड होने में, इसको अनलोड करने में, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। काफ़ी स्लो स्पीड है यार इसकी। ओके तो ये जैसे ही इसने किया हम हो गए शुरू। गाइस तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इस मैप के सबसे बड़े फील्ड में जिसमें मैंने प्लांट कर रखा है सोयाबीन्स, और इसके साथ जो इस मैप का दूसरा बड़ा सबसे फील्ड है वो भी हमने परचेज कर रखा है और उसके ऊपर भी हमने प्लांट कर रखा है सोयाबीन्स। मेरी टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि वीडियो जो है वो 15 मिनट से कम रखूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वही एक मिनट या डेढ़ मिनट आ रहा है। मैं इतनी लंबी वीडियोस, यकीन करें इतना एक्सपेंसिव इंटरनेट है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद मैं इतनी लंबी वीडियो इतने हाई बिट रेट पे अपलोड करता हूँ और आप लोग अगर एक दो मिनट ही देखोगे तो फिर उसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। तो इससे आगे जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो भी होगी उसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। जहाँ पर मुझे लगा कि अब ये 15 मिनट की लिमिट क्रॉस करेगी तो मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दूंगा, बाकी की हार्वेस्टिंग जो है वो हम अगले पार्ट में कर लेंगे, पार्ट बन सकते हैं। लेकिन अब मैं वीडियो, मेरी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि शॉर्ट रखा करूँ। तो आई गेस के टाइम आ गया है कि हम बाकी की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। Slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Yeah.
Memories crashing into me, so close to the